लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, LBAS कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्पेशली आज का जो वीडियो है फिनॉल की जो नेम रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में आने वाली है, ये वीडियो आज बनाया गया है। सो आज स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक जो हमारा है, नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल होते क्या हैं? फिनॉल जैसे हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि फिनॉल की जो नेम रिएक्शन है वो किस टाइप से होती है, फिनॉल क्या होता है, इसका नामकरण भी पढ़ चुके हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं कि जो नेम रिएक्शन है, नाम के आधार पर जो रिएक्शन आती है, 4 या 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो बूचर्स रिएक्शन है, बूचर्स रिएक्शन जो होती है फिनॉल के प्रेजेंस में हम करवाते हैं। फिनॉल को जब हम जलीय अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो OH समूह एमिन समूह से विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि C6H5 मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप फिनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो अमोनियम सल्फेट और NH3 मतलब यहाँ पे डाई अमोनियम सल्फेट और NH3 के साथ जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये C6H5OH बनता है। यहाँ पर जो NH3 है यहाँ से एक NH2 निकलकर यहाँ जुड़ जाता है और बाकी का जो OH ग्रुप है ये H2O बनकर अलग हो जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप निकलकर H2O बनकर अलग हो जाता है जिसे हम कहते हैं एनिलीन। बात होती है कि अगर हम इसे बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये रिएक्शन जब होगी तो ये बेंजीन के साथ NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है हम कह सकते हैं कि फिनॉल से हम एनिलीन को बना रहे हैं। फिनॉल एक ऐसा ग्रुप है जो OH ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप में जुड़ा रहता है, इसे ही हम कहते हैं बूचर रिएक्शन। दूसरी नेम रिएक्शन है लीबरमैन की नाइट्रोसो अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन लीबरमैन के नाम से भी जानी जाती है। लीबरमैन रिएक्शन जो होती है फिनॉल की प्रेजेंस में हम जब इसे नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये एक अवयव के रूप में इसे गर्म किया जाता है इसकी उपस्थिति में। तो फिनॉल जब HNO की प्रेजेंस में जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये पेरा नाइट्रो सो फिनॉल और क्यूनो का ऑक्सिम फॉर्म बनाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनॉल के साथ OH ग्रुप है फिनॉल। हम जानते हैं कि जो H2SO4 है ये इसकी उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये OH ग्रुप और यहाँ से NO ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। जो इसकी पेरा पोजीशन है इस यहाँ पर NO ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए हम इसे पेरा नाइट्रोसोफिनॉल कहेंगे। जो दूसरा एक चलावयवता का मतलब होता है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है और इसकी जगह से किसी दूसरे स्थान पर ये चला जाता है तो इसे हम कहते हैं चलावयवता। टोटोमेरिज्माइजेशन भी इसे कहते हैं। टोटोमराइजेशन का मतलब होता है चलावयवी मतलब चलने वाला अवयव जो अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो OH है और NO है, OH और NO यहाँ पर OH ग्रुप का यहाँ पर चलावयवी फॉर्म हो रहा है, टेटोमरिज्म हो रहा है इसलिए हम इसे NaOH भी कह सकते हैं जिसे हम क्यूनॉन का ऑक्सिन फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर जो NO है ये तो एज इट इज रहेगा लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे चलावयवी NaOH, इसे कहेंगे क्यूनॉन का ऑक्सिन और ये रिएक्शन लीबरमैन रिएक्शन कहलाती है। कोल्बे श्मिट रिएक्शन जो है सोडियम, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये सोडियम सिलिसेट बनाता है। सोडियम सिलिसेट जो होता है यहाँ पर ONA और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो ये OH और COONA बनाएगा जिसे हम सोडियम सिलिसेट कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो COO है ये दो ऑक्सीजन और यहाँ से एक NA ये मिलकर COONA बनाता है जो ये वाली पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है।
यहाँ पर O और यहाँ से एक H जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे OH और COONA कहेंगे, जिसे हम सोडियम सिलिसिलेट कहेंगे। दूसरी रिएक्शन में हम देखते हैं, फर्स्ट जो इसका प्रोडक्ट है वो बनेगा सोडियम सिलिसिलेट और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर जो OH और सोडियम कह सकते हैं सोडियम सिलिसिलेट को जब हम HCl की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोराइड है यहाँ से एक हाइड्रोजन इस COOH के साथ जुड़ जाएगी और ये जो Na है ये HCl के साथ मिलकर NaCl अलग कर लेगा, जिसे हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। रीमर टीमेन रिएक्शन ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर के आधार पर बनाई गई रिएक्शन है। जब फिनॉल को क्षारीय विलयन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ हम गर्म करते हैं तब आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सिक बेंजाल्डिहाइड बनता है। बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे आर्थो पैरा बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है ये फिनॉल का जो एक कह सकते हैं क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में तो यहाँ पर जो HCl है ये अलग हो जाएगा और C6H4 मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, OH और CHCl2 ये जुड़ जाएगा, इसे हम कहेंगे एक मध्यवर्ती अवस्था जिसमें C6H4 और O प्लस और माइनस के फॉर्म में यहाँ पर जुड़ रहा है। O पर नेगेटिव चार्ज इसलिए रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और सोडियम धनात्मक इसलिए होगी क्योंकि एक मेटल होती है। यहाँ पर ONA प्लस इसे कहेंगे, ये मीडिएटर है। अगेन जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में तो यहाँ पर दो सोडियम, एक यहाँ से और ये वाला एक Na, ये मिलकर बना जो बनेगा ये ONA जो होगा, सॉरी ये Na और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा जिसे हम कहेंगे 2NaCl। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं C6H4, ONA एज इट इज़ रहेगा, CH और यहाँ से ये Cl भी यहाँ माइनस हो गया है। अब बचा हुआ जो OH है ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CHOH ट्वाइस। अगेन जब हम इसकी रिएक्शन H2O की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर ONA और C6H5 मतलब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ 6 कार्बन चाहिए है, 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 ही है, इसलिए यहाँ पर हम दो और हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करेंगे इसलिए ये C6H6 हो जाएगा। और यहाँ पर CHO मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़कर C6H5 और ONA बना लेगी और बाकी के जो यहाँ से OH है दो हाइड्रोजन और OH ये H2 बनकर अलग हो जाएगा यहाँ से। और जब इसकी एक बार और सेकेंड टाइम हम इसके रिएक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाएंगे तब ये जो हाइड्रोजन है ये सोडियम की जगह पर ऐड हो जाएगा और सोडियम माइनस अलग हो जाएगा तो ये बनाएगा आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं रीमर टीमेन रिएक्शन ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है और एग्जाम में 12th में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है रीमर टीमेन रिएक्शन। यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है नेम रिएक्शन गार्डरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गार्डरमान जो एल्डिहाइड सिंथेसिस है यहाँ पर हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस संश्लेषण करते हैं। जब हम फिनॉल को द्रव HCN व HCl के साथ गर्म करते हैं LCl3 की उपस्थिति में तो बनता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनॉल आर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब हम इसे निर्जर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये एक मीडिएटर बनाएगा। मीडिएटर में यहाँ पर OH ग्रुप है, ये वाला जो CH ग्रुप है और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ये H के साथ जुड़कर बना लेगा CHNH और यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री हो जाएगी जो बना लेगा NH2Cl। यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है सो यहाँ पर ये बना लेगा CHNH2Cl माइनस। जो एमीन ग्रुप है ये धनात्मक रहेगा और क्लोराइड ग्रुप ऋणात्मक रहेगा।
जब हम इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं वाटर पानी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप और यहाँ से CH और ये दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन जुड़कर CHO बना लेगा और OH इसकी जगह पर ही रहेगा। NH2 और यहाँ के दो हाइड्रोजन, ये चार हाइड्रोजन और ये क्लोराइड मिलकर बना लेगा NH4Cl, जिसे हम कहेंगे आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आज के जो क्लास में हमने 12th का लेक्चर लिया, ये था रेमेडियल क्लास, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।